वन विभाग ने जब्त किया 3 बॉक्साइट लदा ट्रक, ट्रक मालिकों में सनसनी। लोहरदगा में स्थानीय वन प्रमंडल द्वारा बॉक्साइट ढुलाई में लगे ट्रकों को फॉरेस्ट परमिट बनाने का लगातार दबाव बनाने के बावजूद फॉरेस्ट परमिट नहीं बनाकर बॉक्साइट ढुलाई करने वाले लोगों के विरुद्ध वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसके तहत स्थानीय रेंज कार्यालय के समीप स्थित फॉरेस्ट चेक नाका में 3 बॉक्साइट लदे ट्रकों को फॉरेस्ट परमिट नहीं बनाने के आरोप में जब्त किया गया। जब ट्रक में लोड बॉक्साइट के वैध या अवैध होने की जांच अलग से वन विभाग कर रहा है। फिलहाल फॉरेस्ट परमिट नहीं होने के आरोप में जब्त ट्रकों को बक्सी डिपा स्थित फॉरेस्ट कार्यालय में रखा गया है। बॉक्साइट ट्रकों के विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई से बॉक्साइट ढुलाई में लगे ट्रक ट्रांसपोर्ट मालिकों में सनसनी फैली है। आपको बता दें कि स्थानीय बॉक्साइट माइंस अधिकांशतः वन क्षेत्र में स्थित है। पठारी वनों से यहां बॉक्साइट की अवैध दोहन का मामला समय समय पर उठते रहा है। पठारी क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा आवंटित निजी खदान के एरिया से बाहर जाकर पठारी वनों को नष्ट कर बॉक्साइट निकालने में कथित बॉक्साइट माफिया लगे रहते हैं। विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयासों के बावजूद पठारी वनों से अवैध बॉक्साइट की निकासी आज भी जारी है। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अभी जो भी ट्रक है जहां पकड़े जा रहे हैं सभी के पास जो वांछित कागजात होना चाहिए वो नहीं पाए जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रकों में अभी तक भी फॉरेस्ट परमिट नहीं है, जिसमें अभी 3 ट्रकों को हम लोगों ने जब्त करके वन विभाग द्वारा जब्त करके रखा गया है। और हम लोग आगे भी निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग ट्रक पे वांछित जो कागजात है उन्हें लेके चलें, नहीं तो आगे भी कार्रवाई करके गाड़ी को जब्त किया जाएगा। तो ट्रक पकड़े गए हैं, दिनांक 2 तारीख को 7 पकड़ाया गया था और आज 15 तारीख को 3 पकड़ा है। इसमें अवैध माइनिंग प्रमाणित नहीं हुआ है क्योंकि वो वन भूमि से ला रहे थे, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन वन विभाग एक परमिट देता है सुरक्षित वन से या अरक्षित वन से ट्रक को गुजरने के लिए, वो परमिट का मामला है कि इनके पास नहीं था। पिछले हम लोग 4-5 महीना से काफ़ी समय दिए इन लोगों को परिवहन उनका पद ले लेने के लिए, तो कुछ ट्रक मालिकों ने लिया है, कुछ का अभी भी बाकी है। तो जिन्होंने परमिट नहीं दिया है सड़क पे चलने का उसको हम लोग पकड़ रहे हैं प्रथम दृष्टया। इसमें अगर हो सकता है किसी का अवैध माइनिंग का मामला हो तो अलग से देखा जाएगा। अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सारे ट्रक मालिक परिवहन अनुज्ञापत्र नहीं ले लेते हैं, तब तक हम लोग जारी रखेंगे ताकि अगले साल कोई बिना परिवहन के नहीं चले, क्योंकि इससे हम लोग का राजस्व का हानि हो रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग अभी अभियान बीच बीच में चलाते रहेंगे। क्या आप भी चाहते हैं बैंगलोर, पुणे, चेन्नई के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना एडमिशन करवाना? तो आज ही संपर्क करें एडमिशन गुरु, जो कि एक ट्रेडमार्क और GST रजिस्टर्ड ISO सर्टिफाइड एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, जिन्होंने पिछले 16 वर्षों में 20,000 स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम करियर चूज करने में मदद की है। आज ही एडमिशन लें टॉप कॉलेजेस में। कॉल करें 9484855 9234566 9844044008 या विजिट करें वेबसाइट www.admissionguru.net। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।